Our last video regarding non-destructive testings. So radiography is the technique which is mostly used many places. However, it is very costly method, but radiography is also a non-destructive testing. इसका मतलब अब तक तो आप समझ गए होंगे कि बिना किसी चीज को तोड़े, बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए उसकी टेस्टिंग करना एनडीटी कहलाता है. ठीक है, तो रेडियोग्राफी कैसे काम करती है? इट इज़ लाइक जस्ट एक्सरे. आप लोग सभी मेडिकल, कभी आपका हाथ टूट जाता है मान लो, या आपको पता नहीं होता, आप गिर गए, आप बोलते हो यार हाथ बहुत दर्द कर रहा है, लोग बोलते हैं एक्सरे करवा ले. इसका मतलब क्या होता है, जब आप एक्सरे करते हैं तो उसमें आपका पता लग जाता है कि इंटरनल कहाँ पर कुछ ना कुछ, अगर कुछ डैमेज है तो एक्सरे उसको शो कर देता है. तो उसी कॉन्सेप्ट को हम अगर हम इंजीनियरिंग के अंदर लेके आते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेडियोग्राफी. ठीक है, तो रेडियोग्राफी एक एनडीटी की मेथड है फॉर इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स फॉर हिडन फ्लोज बाय यूजिंग द एबिलिटी ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हाई एनर्जी फोटोन्स का हम बर्बानमेंट करते हैं टू पेनिट्रेट वेरियस मटेरियल्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये कोई मटेरियल है और इसके अंदर यहाँ कहीं डिफेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या तो आप गामा रे भेजते हैं या फिर एक्सरे हम लोग उसके अंदर भेजते हैं, और वो क्या करती है, इसको पेनिट्रेट कर देती है पूरी की. ठीक है, अपनी जो विजिबल नॉर्मल लाइट होती है वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यहाँ से बस रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, लेकिन एक्सरे और गामा रे काफ़ी तीव्र होती है, वो क्या करती है, इसको पूरे को पेनिट्रेट कर देगी और यहाँ पर वो बता देगी बाद में उसका जो भी इंटेंसिटी जाएगी, अगर उसकी कोई डिफेक्ट हो तो उसको बता देगी. उसका अपन प्रिंसिपल आगे थोड़ा देखेंगे. ठीक है, तो रेडियोग्राफी जो टेस्टिंग मेथड है वो कुछ भी नहीं है बट द शेडो पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन टू ए फिल्म बाय द फेसेज ऑफ एक्सरे और गामा रे थ्रू इट. मतलब एक जो भी आपका वो डिफेक्ट है तो क्या होगा, उसकी एक शेडो बन जाएगी, एक पिक्चर तैयार करती है रेडियोग्राफी उन रे के थ्रू, उनकी इंटेंसिटी को देख कर बाय द यूजिंग या तो एक्सरे या फिर गामा रे. इट इज़ द सेम एज द मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे, ओनली डिफरेंस इज देयर वेवलेंथ. ये मेडिकल में जो आप लोग यूज़ करते हो एक्सरे उसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वेवलेंथ में डिफरेंस आता है, क्योंकि वहाँ पर आप इंसान के ऊपर कुछ रे भेज रहे हो तो उसकी कोई लिमिटेशन है, या मटेरियल के ऊपर कुछ अलग लिमिटेशन है, इंटेंसिटी हम चेंज कर देते हैं, अदरवाइज वेवलेंथ के अलावा सब कुछ सेम होता है, वही प्रोसेस हमारी होती है. अब हम इस फिगर में समझते हैं हो क्या रहा है. ये आपका रेडियोग्राफिक जनरेटर है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी एक्सरे जनरेट हो रही है. अब एक्सरे जनरेट हो गई, क्या कर रही है आपकी, जा रही है स्पेसिमन पर. स्पेसिमन मतलब जिसको आपको, ये स्पेसिमन है, स्पेसिमन ये है आपका, यहाँ से आपकी जो भी एक्सरे है वो जा रही है. अब इस स्पेसिमन को मुझे चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट है. तो यहाँ पर देखो ये कुछ डिफेक्ट है, सपोज यहाँ कोई डिफेक्ट आ रहा है, यहाँ कोई एक डिफेक्ट है, यहाँ कोई डिफेक्ट है. ठीक है, तो ये डिफेक्ट आपको पता करना है. तो यहाँ से जैसे ये एक्सरे जाएगी तो इसकी जो इंटेंसिटी है ये एक्सरे फिल्म है इस पर बन जाएगी. अब जैसे यहाँ पर एक क्रैक था तो इसका कुछ ऐसी शेडो आ जाएगी, राइट. अब यहाँ पर कोई एक पोर था ये वाला, तो इसका कुछ ऐसा आपको शेडो आ गया. यहाँ एक चैनल था तो उसका कुछ ऐसा शेडो आ गया. यहाँ कुछ होल था यहाँ पर, तो इसका कुछ ऐसा यहाँ पर शेडो बन जाएगा. तो जो आपको फिल्म मिलेगी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको ये कुछ मिले हैं. ठीक है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, मतलब ये सब क्या है, डिफेक्ट है. तो आप एक रेडियोग्राफी के अंदर आप एक फिल्म जनरेट करते हैं, मतलब आपका जो स्पेसिमन के आगे आप एक नीचे फिल्म रख देते हैं और ऊपर से आप लोग उसको लेजर देते हैं. लाइक अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेजर लाइट डाल रहे हैं किसी स्पेसिमन के ऊपर और उसके नीचे हमने क्या रख रखा है, फिल्म रख रखी है. तो जो जब ये तुम्हारी एक्सरे और गामा रे आएगी तो वो इसके ऊपर अपनी इंटेंसिटी से कुछ ना कुछ बना देगी. अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसकी जो इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो उस पर टकरा करा रही है. ठीक है, तो नॉर्मल जो आएगी उसकी इंटेंसिटी से, जिसके अंदर डिफेक्ट है उसकी इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा. सिमिलरली वही एक आपका यहाँ पर रेडिएशन हुआ, एक्सरे गई, यहाँ मान लो कोई डिफेक्ट है फ्लो, तो यहाँ पर है वो फ्लो आपको दिख गया फिल्म के अंदर. ठीक है, ये फ्लो फिल्म का थिकनेस वाला इश्यू है, ये इसका विड्थ वाला है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिख सकता है. इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं अपन लोग. तो पॉसिबल हेल्थ हैजार्ड,
एक्सरे और गामा रे काफ़ी हेल्थ के लिए हानिकारक है, और हमको डायरेक्ट बीम एक्यूरेटली फॉर टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स, हमको बीम को डायरेक्टली भेजना पड़ती है, अगर उसमें कुछ डेविएशन आ जाए तो उसकी जो हमको रिजेक्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलते। फिल्म में प्रोसेसिंग एंड व्यूइंग फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी, ठीक है, आपको फिल्म जो बन के आएगी आपके पास उसको देखते रहना चाहिए, प्लस उसकी जो व्यूइंग की फैसिलिटी होना चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से देख पाएँ। और ऑटोमेशन के लिए अंदर अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोमेशन में क्या होता है कि हमको ऑटोमेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं, पर यहाँ पर हमको फिल्म को देखने के बाद ही हमको रिजल्ट्स हैं कुछ मिल पाएंगे। और नॉट सुटेबल फॉर सरफेस डिफेक्ट ओनली, अगर आपको सरफेस डिफेक्ट देखना है, आप इसमें क्या कर सकते हैं अपन की सरफेस के इंटरनल डिफेक्ट आप लोग देख सकते हैं, जो अदर प्रोसेस के अंदर काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप सरफेस के डिफेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो उसकी स्टार्टिंग होती है लेके जाने की। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो इसके एप्लीकेशंस काफ़ी सारे हैं। पहला एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ इंटरनल डिफेक्ट्स, इंटरनल डिफेक्ट पता करने का एक, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ पोरोसिटी, अगर उस आपके किसी स्पेसिमेन के अंदर अगर कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आया है, इनले को फ्यूज़न इन वेल्डिंग क्रैक, तो सब कुछ आप इससे पता कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योमेट्री में कुछ वेरिएशन अगर हैं, ठीक है, एंड थिकनेस में अगर कोई वेरिएशन है उस कंपोनेंट के, तो वो आप पता कर सकते हैं इसका, ठीक है। और अब हमने जितनी प्रोसेस पढ़ी है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो एनडीटी का जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है इसका इम्पोर्टेंस मैं बताया था आपको, तो एनडीटी इंक्रीज द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, रिलायबिलिटी बढ़ा देता है और सेफ्टी बढ़ा देता है प्लांट की, क्योंकि अगर आपने एनडीटी से अगर पता कर लिया है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो फिर आपकी जो किसी दुर्घटना होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके अलावा इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय रिड्यूसिंग स्क्रैप एंड कंजर्विंग मटेरियल्स लेबर एंड एनर्जी, ये क्या करता है आपकी कॉस्ट को कम कर देता है, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ को मेंटेनेंस कर दोगे, टेस्टिंग कर दोगे, तो उसके अब जो ख़राब होने की संभावना काफ़ी कम हो गई, उससे आपकी जो लेबर कॉस्ट बच जाएगी, काफ़ी सारी एनर्जी सेविंग हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ स्क्रैप होने से बच जाएगी। उसके अलावा इट इन्हेंस द रेपुटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एज ए प्रोड्यूसर ऑफ क्वालिटी गुड्स, इससे जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रेपुटेशन भी बढ़ती है कि यार ये काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस हैं और ये चीज़ों को ब्रेक डाउन होने से पहले ही पता कर लेते हैं। उसके अलावा एन डी टी आल्सो यूज वाइडली फॉर रूटीन और पेरियोडिक डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सर्विसेज, तो प्लांट्स प्लांट्स के अंदर ये ऑलरेडी यूज़ में आ रही हैं रूटीन वर्क के लिए, कि हर मान लो हर 2 महीने में मुझे प्लांट का शट डाउन करना है और 2 दिन के लिए उसको चेक करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या होने वाली है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और दिस नॉट ओनली इंक्रीज द सेफ्टी, सेफ्टी तो बढ़ा ही देता है जैसे हमने बात की ऑपरेशन की, बट आल्सो जो शट डाउन जो होता है फोर्सली प्लांट का, वो भी ख़त्म हो जाता है कि शट डाउन अब बार बार ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम एनडीटी प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को ख़राब होने के पहले उसको डिफेक्ट का पता लगा रहे हैं। तो ये हमारी सभी टाइप की एनडीटी प्रोसेसेस थी, और ये बेसिकली आज हमने पढ़ी रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। तो इन सब में अगर आपको कोई डाउट आता है तो अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं या पर्सनली मिल सकते हैं। तो